नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद जारी है और पहले चरण का मतदान भी बिहार में संपन्न हो चुका है। अभी दो चरण के मतदान होने बाकी है, जिसको लेकर बिहार में कोने कोने में जाकर हरेक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता चुनावी जनसभा को संबोधित करने में लगे हैं। और इसी कड़ी में खुद तेजस्वी यादव लालू के गढ़ यानी कि राघोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राघोपुर में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। और आपको बता दें कि राघोपुर से वो खुद इस बार तेजस्वी यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में खड़े हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जनसभा किया है राघोपुर में और खुद मंच से कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर और क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, अपने भाषण में, आप सुनिए इस वीडियो में। यहाँ दो दो मुख्यमंत्री राघोपुर की जनता ने दिया और एक उप मुख्यमंत्री राघोपुर की जनता ने देने का काम किया है। इस बार लड़ाई जो है वो कोई चुनाव नहीं है, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। ये चुनाव नहीं, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है। क्या मुद्दा होना चाहिए? कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये होने चाहिए मुद्दे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। नीतीश कुमार जी के राज में पूरी तरीके से शिक्षा को चौपट कर दिया गया। आप तो जान ही रहे हैं क्या स्थिति होगी ये शिक्षा की पूरे बिहार में। तो सुना आपने, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस तरह राघोपुर विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार राघोपुर वो पहुंचे जहां पर लालू के गढ़ में खुद तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया है। और जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा चौपट भी हो गई। आपने सुना इस वीडियो में। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे क्या कुछ होने वाला है 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि आखिरकार बिहार में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन मैं आपको जाते जाते से पहले बता दूं कि दो चरण के मतदान अभी होने बाकी हैं, जो कि आगामी 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार प्रसार का जोर शोर से चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये दो चरण के मतदान के बाद 10 नवंबर को पता चलेगा, नतीजे आएंगे विधानसभा चुनाव के और पता चलेगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बिहार विधानसभा चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।